मंदिर से बाहर आके अब हम अमृत कुंड और चरण कुंड के लिए जा रहे हैं। इनके लिए है तो मंदिर से भी रास्ता है, लेकिन हम मंदिर के बाहर निकल के हम दूसरे रास्ते से बाहर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, दुकानें यहाँ भी बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं चरण कुंड के पास। मान्यता ऐसी है कि बाबा जी ने समाधि चरण कुंड में ली थी, तो यहाँ का जल भी बहुत अच्छा रहता करके लोग यहाँ का जल भरते हैं चरण कुंड से। देखिए इस कुंड में कितना पानी मौजूद है। चना बोट आज आदत सस्ता हो गया। चना बोट बढ़िया बढ़िया चाबी चलने वाला है। चाबी रिंग नाम अमृत कुंड में चौक का पूजा हो रहा है यहाँ पर। यह पांडे
सतनाम के नाम ले रही थी त्योहार कर गया पिताजी। मैं तो सतनाम लगे जब पिताजी ना मैं तो अमृत हार कर I heard you don't touch me, Ghasi. Tor bhasha re. Kabar, kabar, pita ji. Kabar, pita ji. ये है नया पुल। संगवारी हो हवन अभी यहाँ ए हरे जोक नदी और सामने में अभी नवा पुल तक बने हैं पाला ऊपर आ जाए पर और जतका मन यहाँ गिरौदपुरी धाम घूमे पर आए है वो मन से बहुत अकन आदमी मन यहाँ जोक नदी में आके रुके है खाना वाना बना थे इंचे रेस्ट कर रहे थे तेकर बाद फिर वापिस जाइए मन है गिरौदपुरी तो ये मन ला आपला अभी जोक नदी देखा था पाला बहुत ही सुंदर नजारा हवे यहाँ से देखे बार जोड़ा जात खाम हवे जोक नदी के नजदीक में जा रहे हैं अपन बहुत सुंदर तो सामने में पुल नजर आ रहा है वो नया पुल बना है अभी नहीं तो इस पार से उस पार जाने के लिए लोग नदी क्रॉस करके जाते थे
ना ये अपन साइड में है ना,